मूवी के स्टार्ट में हम टाइटन्स को देखते हैं जो इंसानों के ऊपर आके अटैक करना शुरू कर देते हैं। इंसान जो टाइटन से शरीर में बहुत छोटा होता है वो लड़ाई करने की कोशिश करके भी उन्हें नहीं हरा पा रहा होता है। ऐसे में बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और आबादी लगभग खतरे में आ गई होती है। अब बचे कुछ इंसान ये फैसला लेते हैं कि वो दीवारें बनाएंगे जो कि टाइटन से भी लंबी रहेंगी और उनके अंदर जाके छुप जाएंगे। वो दो दीवारें बनाते हैं जिनके अंदर दो तरीके के शहर होते हैं, एक का नाम आउटर डिस्ट्रिक्ट होता है और दूसरा इनर डिस्ट्रिक्ट। आउटर डिस्ट्रिक्ट में खेती बाड़ी और उसके साथ साथ फोर्स को तैनात किया गया था कि वहाँ पे अगर टाइटन आए तो उनको वहीं से लड़के भगा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर इनर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल जनता चैन से सुरक्षित जिंदगी जी रही होती है। अब इस घटना को हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एरन, एरमैन और मिकासा को। ये तीनों आउटर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे होते हैं जहाँ पे एरन बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। मिकासा उससे कहती है कि टाइटन आके हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तभी एरन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, 100 साल हो चुके हैं, हो सकता है कि सभी टाइटन भूख के मारे मर चुके हों। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो आउटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया के पास होते हैं जहाँ पे किसी का भी जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। वो लोग उसके दोस्तों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी एरन गुस्सा करके उन सबसे लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है। इतने में आर्मी जनरल उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें फांसी भी दे सकते हैं पर तुम यहाँ पे गलती से आए हो, इस वजह से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तभी एकदम से चारों तरफ भूकंप आना शुरू हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि सामने की दीवार टूट गई है और इस दीवार के सामने से एक बड़ा सा टाइटन आता है और उस टाइटन के पीछे काफी सारे टाइटन्स होते हैं और ये लोग आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। अब एरन के साथ जो पुलिस वाले होते हैं वो लड़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन टाइटन्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो उनके पैर को काट देते हैं लेकिन वो टाइटन्स अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। उसके बाद वो सारी आउटर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देते हैं। अब एरन और बाकी सब भागते हैं अंदर की ओर, जहाँ बीच रास्ते में एरन से मिकासा का साथ छूट जाता है क्योंकि मिकासा को रास्ते में एक बच्ची दिखती है जो कि दब रही होती है लोगों के पैरों तले। उसको बचाने के लिए मिकासा लौट जाती है पर इस बीच उसका एरन से साथ छूट जाता है। अब एरन जो मिकासा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो भीड़ की वजह से चर्च में जाके दब जाता है। एरन देखता है कि मिकासा के ऊपर एक बड़ी सी फीमेल टाइटन आके खड़ी हो गई है और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। मिकासा ये एक्सेप्ट कर लेती है कि ये टाइटन उसे जान से मार देगी। तभी एकदम से धमाका होता है और एरन नहीं देख पाता है कि मिकासा के साथ क्या हुआ। जब वो दोबारा बाहर निकल के कोशिश करता है देखने की तो वहाँ पे उसे मिकासा नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर चर्च के अंदर पीछे से आकर के टाइटन लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। अब एरन वहाँ से चारों तरफ भागता है मिकासा को ढूंढने के लिए लेकिन उसे मिकासा कहीं नहीं मिलती है। अब इसके बाद इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं जहाँ पे आउटर डिस्ट्रिक्ट पे अब टाइटन्स का कब्जा है और इनर डिस्ट्रिक्ट में बचे कुछ इंसान रहते हैं। लेकिन इनके सामने चुनौती है कि आउटर डिस्ट्रिक्ट में ना आने वाला अनाज अब उनके लिए मौत का कारण बन रहा है। लोगों के पास ज़्यादा खाना नहीं है और वो अंदर टिक नहीं सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन में इंसान की आबादी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आर्मी जनरल को देखते हैं जो प्लान बना रहे होते हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट में अपनी फोर्स के जा करके उन टाइटन्स के ऊपर अटैक करने का ताकि वो उन्हें वहाँ से भगा दें और आउटर डिस्ट्रिक्ट पे वो दोबारा कब्जा कर लें। इस फोर्स को एरन और उसके दोस्त एरमैन ने भी ज्वाइन कर लिया होता है। इन लोगों को अपनी दोस्त मिकासा का बदला उन टाइटन से लेना है। अब यहाँ पे एक लड़की आती है DMG डिवाइस को प्रेजेंटेट करने के लिए। ये बताती है कि इस डिवाइस की हेल्प से आप टाइटन्स के सर के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान ये डिवाइस फेल हो जाता है और सब लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। रात को उन्हें आउटर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलना है। इनर डिस्ट्रिक्ट में एरन मिलता है बस्ती वालों से जहाँ पे उसे आर्मी का वो जनरल भी दिखाई देता है जो कि मूवी के स्टार्ट में उसे बॉर्डर में पकड़ने के लिए आया होता है। ये जनरल पूरी तरीके से पागल हो गया होता है और शराब के नशे में धुत रहता है। वो कहता है कि तुम लोग बचोगे नहीं, ये टाइटन्स हम लोगों को एक एक करके मार डालेंगे। अब यहाँ पे एरन देखता है कि उनकी टीम की एक मेंबर हियाना अपनी बेटी से मिल रही है और कह रही है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब रात को वो सब गाड़ी में बैठा दिए जाते हैं और उन लोगों को आउटर डिस्ट्रिक्ट के लिए भेज दिया जाता है। आउटर डिस्ट्रिक्ट पहुंचते ही उन्हें देखने को मिलता है कि चारों तरफ बस अंधेरा है और शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। जनरल कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में दीवार को रिपेयर करना है और टाइटन्स को यहाँ से भगाना है, यही हमारा मिशन है। वो लोग चारों तरफ चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी एरन और हियाना को एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग उस आवाज़ को फॉलो करने के लिए निकल जाते हैं अपने क्रू को बिना बताए और वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो एक बड़ा सा टाइटन बच्चा बैठा है और वो इंसान को खा रहा है। ये सब देख करके एरन और हियाना डर जाते हैं और वो बच्चा उन लोगों को देख के रोने लगता है। अब वो लोग वहाँ से भागते हैं क्योंकि बाकी टाइटन्स उस बच्चे की आवाज़ सुन करके वहाँ पे आ जाते हैं। अब चारों तरफ के टाइटन्स जाग जाते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं बनती है और एक एक करके सोल्जर्स मारे जाते हैं उन टाइटन्स के हाथों।
अब एक जगह पहुंचकर ये सब लोग फंस जाते हैं और टाइटन्स इन्हें चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शिकी मिशी की। ये डीएमजी डिवाइस को बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल कर सकता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है शिकी मिशी की और वो डीएमजी डिवाइस की हेल्प से सभी टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। ये सब देख करके एरन भौचक्का रह जाता है क्योंकि पहली बार कोई इंसान टाइटन्स को उसके सामने मार रहा होता है। तभी उसको शिकी मिशी की पार्टनर दिखाई देती है और ये भी काफी खतरनाक तरीके से टाइटन्स को मार रही होती है और ये कोई और नहीं मिकासा ही होती है। मिकासा को देख करके एरन काफी हैरान हो जाता है। अब लड़ाई काफी देर चलती है और मिकासा और शिकी मिशी उन लोगों को छुपने की एक जगह दिखा देते हैं। उस जगह में जाकर के वो लोग छुप जाते हैं जहाँ टाइटन्स अभी उन्हें थोड़ी देर के लिए तो ढूंढ नहीं पाएंगे। इतने में आर्मी का एक सोल्जर आकर के एरन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पे फंस गए। अब एरन और उस आदमी की थोड़ी देर लड़ाई होती है जहाँ पे एरन उसे बुरी तरीके से पीट देता है। अब इन लोगों को शिकी मिशी आकर के अलग कर देता है। शिकी मिशी एरन को अपने साथ ले जाता है और उसे बात करते हुए कहता है कि अगर इतनी ही आग है तो तुम्हें टाइटन को खुद मारना चाहिए। वो उनसे कहता है कि तुम लोग एक भेड़ हो और वो टाइटन भेड़िए हैं। वो तुम लोगों का शिकार करके तुम सबको खत्म कर देंगे। ये बात एरन को काफी बुरी लगती है और वो शिकी मिशी से लड़ने को भी तैयार रहता है। वो पूछता है कि मिकासा के साथ तुमने क्या किया। शिकी मिशी बताता है कि मिकासा एक कमजोर लड़की थी और मैंने तो उसे स्ट्रांग कर दिया है। इसके बाद एरन जाता है मिकासा से मिलने के लिए जहाँ पे मिकासा उससे कहती है कि वो मिकासा मर चुकी है, मैं एक नया वर्जन हूँ। वो बच्ची जिसको मैं बचाने के लिए गई थी उसको उस टाइटन ने खा लिया। उसने मुझे भी पकड़ के खाना शुरू कर दिया था लेकिन शिकी मिशी ने मुझे बचा लिया और वो अपने घाव दिखाते हुए कहती है कि उसने मुझे ऐसा ट्रेन किया है कि मैं अब हर टाइटन को मार सकती हूँ। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है शिकी मिशी की और वो मिकासा को एप्पल देता है। इसके बाद वो दोनों साइड में चले जाते हैं। अब ये सब देख करके एरन को काफी बुरा लगता है और वो बाहर जाकर के जोर से चिल्लाता है और वहीं बैठा रहता है। तभी उसके पास याना आती है और उसे बात करते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक होगा, टेंशन मत लो, हम यहाँ से घर जरूर जाएंगे। तभी एरन उससे कहता है कि तुम्हारी तो बेटी भी थी, उसका क्या हुआ। याना कहती है कि मुझे काम बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं इसको पैसे के लिए करती हूँ वरना मैं अपनी बेटी के पास हमेशा रहूँ। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हियाना एरन को शेड्यूस करना शुरू कर देती है और उसका हाथ अपने चेस्ट पे रखवाती है और इसके बाद उसके ऊपर बैठ जाती है। एरन जो रेजिस्ट कर रहा होता है बाद में उसको सपोर्ट करने लगता है। तभी एरन देखता है कि उनके पीछे एक बड़ी सी आंख खुली है टाइटन की और ये एक टाइटन रहता है जो कि हियाना को पकड़ के घसीट लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। अब एरन और बाकी सब टाइटन से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन ही रिवील हो गई होती है जहाँ शिकी मिशी और मिकासा अपने डिवाइस की हेल्प से सभी टाइटन्स को मार रहे होते हैं लेकिन बाकी सभी सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं और इनमें से एक आर्मी का जनरल भी होता है। अब ये सब लोग फंस गए होते हैं। अब एरन ऐसे में गुस्सा आ जाता है। तभी उसका साथी उसे कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं। एरन को याद आता है कि शिकी मिशी से उसने कहा था कि हम लोग भेड़ नहीं है और यहाँ पे भेड़ वाला ही काम किया जा रहा है। वो देखता है कि पीछे शिकी मिशी खड़ा है और वो गुस्सा करके अपने डीएमजी डिवाइस का इस्तेमाल करता है और उन टाइटन्स के ऊपर अटैक करने का फैसला करता है। वो थोड़ी देर इधर उधर झूलता है और एक अटैम्प में वो एक टाइटन के सर पे अटैक कर पाता है। इतने में एक टाइटन उसके पैर को पकड़ लेता है और एरन ताकत लगा करके डीएमजी डिवाइस की हेल्प से उस टाइटन से अपने आप को छुड़वा लेता है लेकिन इन सब में एरन का वो पैर उस टाइटन के मुंह में ही रह जाता है। वहीं दूसरी ओर मिकासा उन सभी टाइटन्स को मार रही होती है बिना ये जाने कि एरन का पैर कट चुका है। हमें देखने को मिलता है एरन का वो साथी जो वहाँ से भाग रहा होता है, उसको टाइटन्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी सब लोग टीम वर्क की हेल्प से उस आदमी को बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिकासा देख लेती है कि एरन का पैर कटा हुआ है। एरन को हम देखते हैं जो अपने दोस्त को टाइटन के मुंह में जाता देख करके खड़ा होने की कोशिश करता है और डीएमजी डिवाइस की हेल्प से एन मौके पे जाकर के एरमन का हाथ पकड़ लेता है जो टाइटन के मुंह में चला गया होता है। वो एरमन को बाहर घसीट करके फेंक देता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और टाइटन के मुंह में चला जाता है। इस बीच एरन का एक हाथ भी कट जाता है और वो एरमन के पास रह जाता है। अब एरन टाइटन के पेट में जाता है जहाँ वो देखता है कि हियाना भी पड़ी हुई है। वो हियाना को देख करके काफी तेज चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तुम सबसे बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी ओर मिकासा को जब पता चलता है कि एरन की मौत हो चुकी है और टाइटन उसे खा चुका है और उसका हाथ एरमन के पास है तो उस हाथ को देखकर कि वो काफी तेज चिल्लाती है और वो ये फैसला लेती है कि अकेले उन सभी टाइटन्स को वो खत्म कर देगी। वो निकल जाती है टाइटन्स को मारने के लिए लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो जान जाती है कि अकेले तो इन टाइटन्स को वो नहीं मार पाएगी। तभी उसके सामने वो मोटा टाइटन आ जाता है जिसने एरन और याना को खाया होता है। उस टाइटन का मुंह खुल ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और उस टाइटन का सर अलग हो जाता है।
इसके बाद उसके पेट को फाड़ करके एक दूसरा टाइटन निकलता है, और ये कोई और नहीं एरन ही होता है। और ये टाइटन काफ़ी खतरनाक और रिजनरेशन पावर में बाकी सबसे अलग होता है। ये सबके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इंसान नहीं, ये टाइटन्स को मार रहा होता है, और एक एक करके सब टाइटन्स को मार के वो वहाँ से भगा देता है। इंसान समझ नहीं पाते हैं कि टाइटन तो हमारे दुश्मन है, तो ये टाइटन हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। अब एरन जब उन सब टाइटन्स को भगा देता है तो उसका कंट्रोल खुद से हट जाता है, और वो इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए भी निकल जाता है। तभी उसके सामने मिकासा आके खड़ी हो जाती है, जिसको एरन थोड़ी देर ना मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसको पकड़ लेता है। तभी वो अपने आप को रोक लेता है अपने आप पे कंट्रोल पा करके, और मिकासा अपने आप को छुड़ा के टीएमजी डिवाइस की हेल्प से एरन के बैक पे अटैक करती है, जिससे एरन छोटा हो जाता है और उस टाइटन की बॉडी से निकल के बाहर आ जाता है। सब लोग देखते हैं कि एरन का हाथ और पैर कट गया था, लेकिन उसने दोबारा से अपने आप को रिजनरेट कर दिया है, और एरन अब एक टाइटन बन चुका है जो इंसानों की हेल्प कर रहा है अपना अस्तित्व बचाने में। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।